जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्रेफ का जो फॉरम निकला था फ्रेंड्स, उसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि उसका 50 रुपीज़ का पेमेंट होने वाला, जो कि EWS एंड OBC UR का होगा। STSC उसमें निःशुल्क है, बट जिनका फीस पेमेंट होना है फ्रेंड्स, उनको काफ़ी समस्या आ रही है कि उनके मोबाइल से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन फीस का पेमेंट कैसे करें। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात कर ले, 03/2022 की बात करेंगे हम, जिसमें इस सभी पोस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फीस का पेमेंट कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कैसे फीस पे करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस लिंक पे जाके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा फ्रेंड्स। ये लिंक अगर आपको नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स, फोरम में भी ये लिंक है, वहाँ भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप जा सकते हो इस साइट पे। ठीक है, तो उसके बाद में फ्रेंड नीचे आना है और ये जो कॉलम है इसमें आपको टिक करना है। ठीक है, ये मैं टिक कर दिया। प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये इंटरफेस खुल गया। अब आपको इसमें सेलेक्ट कैटेगरी जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया, इसमें आ गया फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट फीस। इसके बाद फ्रेंड्स, ये इंटरफेस आगे खुल जाता है। अब इसमें आपको भर देना है आपका नेम, ये फादर्स नेम, यह इंडियन नेशनलिटी, यह आपकी डेट ऑफ बर्थ, यह आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ आपका एड्रेस, यह स्टेट, यहाँ आपका पिन कोड नंबर, यह आधार नंबर, यह एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ आपकी ट्रेड कौन सी है वो भर देना है। यह ट्रेड भर देना है, जैसे आपका हिंदी टाइपिस्ट है तो हिंदी टाइपिस्ट, ठीक है, वेल्डर है तो वेल्डर, कुक है तो कुक, सुपरवाइजर स्टोर है तो सुपरवाइजर स्टोर। अमाउंट ये 50 रुपीज़ डाल देना है सभी को। एडवर्टाइजमेंट नंबर में 03/2022 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको डाल देना है। रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। ये फिर से आपका नेम भर देना है, या डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो ये कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इस बॉक्स में। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको नीचे आना है और सीधा सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये पहले भर लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स हमने कंप्लीट भर लिया है। ठीक है, कंप्लीट हमने भर लिया है। अब सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। मैं जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स, क्या इंटरफेस खुलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इंटरफेस खुल गया है। यहाँ आपको पूरा डिटेल आ चुका है। अब आपको वापस कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे इंटरफेस खुल गए। आपको किससे पेमेंट करना है, अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करोगे तो आपको 11.80 रुपये चार्ज लगेगा। अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करेगा 17.70 रुपये लगेगा। इसके बजाय फ्रेंड्स, सबसे अच्छा है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए। ठीक है, डेबिट कार्ड से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, बट मैं आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाता हूँ। मैं रुपए का डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। मैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया रुपए के डेबिट कार्ड पर, फ्रेंड्स इंटरफेस खुल गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पर आपका कार्ड नंबर डाल देना है या एक्सपायरी डेट दोनों में डाल देनी है। यहाँ कार्ड होल्डर का नेम, जिस भी कार्ड से पेमेंट करें तो उसका कार्ड होल्डर नेम डालना है, या CVV नंबर जो कि यहाँ पीछे 3 अंकों का दिया हुआ होता है, और ये कैप्चा इसमें फिल कर देना है। तो मैं फ्रेंड्स डाल के मैं बता देता हूँ और आगे मैं समझाता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट डिटेल भर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद में पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, जो पे वाला बटन दिख रहा है इस पर हमको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इंटरफेस खुल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 50 रुपीज़ का है, और जो हमारी मोबाइल नंबर है, आपके भी मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक OTP जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 50 रुपीज़ वाला, तो वो OTP जाएगा, उसको आपको 1-टाइम पासवर्ड जो दिख रहा है OTP इस बॉक्स में डाल देना है। ये डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपका 50 रुपीज़ का पेमेंट कट जाएगा और आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे को फॉर्म भरना नहीं है तो मैं पेमेंट नहीं काटूंगा, बट मैंने
कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया पेमेंट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक आ जाने के बाद में सीधा यहाँ पर ओटीपी डालना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, पेमेंट आपका कट जाएगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। फ्रेंड जिसको भी अगर फिर भी समस्या आ रही तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद।